हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं बंसी कुमार आज फिर से एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिटर थ्योरी में मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। जानेंगे कि हम लोग जॉब पर किस प्रकार से मार्किंग करते हैं तथा मार्किंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्किंग होता क्या है। मार्किंग तो किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष परिस्थिति में मार्किंग चिन्ह, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिन्ह, की विशेष भूमिका होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष परिस्थिति में चिन्ह की बहुत विशेष भूमिका होती है। इसके लिए किसी वस्तु को वस्तु के ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र रेखा से बाउंड्री लाइन इत्यादि खींची जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष परिस्थिति में मार्किंग यानी चिन्ह की बहुत विशेष भूमिका होती है। इसके लिए किसी वस्तु को वस्तु के ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र रेखा से बाउंड्री रेखा खींची जाती है। तो इस कार्य को क्या कहते हैं? मार्किंग कहते हैं। तो इस कार्य को मार्किंग कहते हैं। तो ये हमने मार्किंग का डिफिनेशन जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि मार्किंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कि जब हम मार्किंग करेंगे तो हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मार्किंग करते समय निम्न बातों का ध्यान मार्किंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मार्किंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मार्किंग शुरू करते समय सबसे पहले ड्राइंग को हम लोग भली भांति देख लेंगे कि ड्राइंग हमारा किस तरह है, तभी हम उस पर सही से मार्किंग कर सकेंगे। तो मार्किंग करते समय ड्राइंग को भली भांति से देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का पॉइंट नुकीला होना चाहिए। जब हम लोग मार्किंग करेंगे तो स्क्राइबर से लाइन खींचा जाता है, तो स्क्राइबर का जो पॉइंट रहेगा वो हमारा नुकीला होना चाहिए। अगर नुकीला नहीं रहेगा तो लाइन हमारा सही से नहीं खिंचाएगा। तो स्क्राइबर का पॉइंट क्या होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए। तीसरा है, मार्किंग करते समय बिंदु और लाइन बराबर दूरी पर लगाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, सेंटर पंच से निशान इस प्रकार लगाना चाहिए कि चिन्ह स्पष्ट दिखे। कि जब हम लोग किसी भी जॉब पर मार्किंग करेंगे और उसमें पंचिंग करेंगे
तो सेंटर पंच से इस तरह उसमें निशान लगाएंगे कि हमारा वो निशान बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखे। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि मार्किंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो मार्किंग करने के लिए हमें सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है और सारे प्लेट टूल्स हैं उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सरफेस प्लेट, तो जानेंगे कि सरफेस प्लेट होता क्या है। तो यह मार्किंग टेबल की तरह, सरफेस प्लेट मार्किंग टेबल की तरह कास्ट आयरन की ढली हुई एक प्लेट होती है। एक प्लेट होती है जो किसी मेज पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है। सरफेस प्लेट या मार्किंग करने का टेबल है जो कि कास्ट आयरन से ढली होती है और यह किसी मेज पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है। सरफेस प्लेट में प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार, सरफेस प्लेट में प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार यह तीन प्रकार के होते हैं। सरफेस प्लेट में प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। दूसरा, केरामिक सरफेस प्लेट। तीसरा, ग्लास सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट में पदार्थ प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार सरफेस प्लेट तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट क्या होता है।
पहला नंबर कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, इसको उठाने के लिए साइड में माइल्ड स्टील के दो हैंडल लगे होते हैं, इसको उठाने के लिए साइड में माइल्ड स्टील के दो हैंडल लगे हुए होते हैं जो कि मेज की सतह से ऊंचा उठाए रखने के लिए एक फ्रेम के साथ फिट रहता है। जिससे प्लेट की ऊपरी सतह सरफेस फिनिशिंग होती है, यानी कि कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, इसको उठाने के लिए साइड में माइल्ड स्टील के दो हैंडल लगे हुए रहते हैं जो कि किसी टेबल या मेज की सतह से ऊंचा उठाए रखने के लिए एक फ्रेम के साथ फिट रहता है, जिससे प्लेट की ऊपरी सतह क्या होगी, बिल्कुल सरफेस यानी फिनिशिंग होगी। तो यह है हमारा कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, और इसका प्रयोग देख लेते हैं किस प्रकार किया जाता है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का प्रयोग पहला पॉइंट किसी जॉब की समतलता की जांच करने के लिए, यानी कि किसी भी जॉब की बिल्कुल समतलता को हम लोग इस पे जांच करेंगे, चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, किसी भी जॉब की मार्किंग करने के लिए। तीसरा पॉइंट,
स्क्वायर की एक्यूरेसी शुद्धता जांचने के लिए तथा इसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को जांचने के लिए करेंगे। और अगला पॉइंट, जॉब की अन्य मापों के लिए, तो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का प्रयोग किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए, किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी जांचने के लिए तथा किसी भी जॉब की अन्य मापों के लिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राइंडिंग सरफेस प्लेट। दूसरा, कुछ सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की बनाई जाती है, यह एक प्रकार का हार्ड पत्थर होता है, जिसकी ऊपरी सतह बहुत ही समतल्य होती है। तथा ये भंगुर भी होता है। इस पर कोई वस्तु गिरने से या टूट भी सकती है। इसको आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट या कुछ सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की बनाई जाती है, यह एक प्रकार का हार्ड पत्थर होता है तथा जिसकी ऊपरी सतह बिल्कुल समतल्य होती है। यह भंगुर भी होता है, यदि इस पर कोई वस्तु गिर जाए तो यह टूटने का भी खतरा इस पर बना होता है तथा इसे आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। अगला है ग्लास सरफेस प्लेट, तीसरा।
अगला है ग्लास सरफेस प्लेट। तो ग्लास सरफेस प्लेट यह कांच की प्लेट बनी होती है। ग्लास सरफेस प्लेट जो होती है यह कांच की एक प्लेट बनी हुई होती है, यानी कि हमारा जो ग्लास सरफेस प्लेट होता है वो बिल्कुल कांच का बना हुआ होता है। तो हमने आज मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में सरफेस प्लेट के बारे में जाना। आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।